हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो वेलकम टू डोंट डाई डॉक्टर वंस अगेन। तो ये वीडियो कुछ अलग है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अबाउट माय यूट्यूब इनकम विच आई एम गेटिंग। काफ़ी यूट्यूबर्स शेयर करते हैं बट आई कांट शेयर इट एग्जैक्टली क्योंकि रिसेंटली सेकेंड पेमेंट मेरी रिलीज हुई है। अब तक मेरी दो पेमेंट्स, मतलब अब ये दूसरी है, एक पहली हुई थी जब मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था। तो काफ़ी यूट्यूबर्स जब आए हैं तो एक तरह से आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है, किस तरह से आपको। अभी मेरे अराउंड 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 4700 के आसपास हूँ। तो इस लेवल पे आके डेली वीडियोस आप मैं बनाता हूँ ऑलमोस्ट। तो कैसा रहता है, कैसे आपका चैनल आपको जितने व्यूज़ आते हैं सब बताने वाला हूँ, क्योंकि ये नए यूट्यूबर्स को हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से फेस करना पड़ता है YouTube का एनवायरनमेंट, कितना कंपटीशन है, किस लेवल की इनकम हो सकती है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ अपने इस आज अपने इस आप कह सकते हैं पर्सनल व्लॉग अबाउट YouTube इनकम विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस चैनल। और सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू पीपल यू वॉच माई वीडियोज़। तो जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत वो आपके व्यूअरशिप, आपके प्यार से आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आई थी उसको काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि जब मैंने शो इसको सीरियसली लिया था यूट्यूब को, तब काफ़ी रेगुलेशंस की चेंजेस हुई, पर मैं हमने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा। देखो फर्स्ट पेमेंट मिलने में ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने लग गए। तो वो पेमेंट मेरी आई थी आज से ठीक 6 महीने पहले। तो उस पेमेंट में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन अब जिस तरह से कंटेंट मैंने काफ़ी डाल दिया है चैनल पे, अब फर्स्ट पेमेंट और सेकंड पेमेंट के बीच में गैप काफ़ी कम रह गया। वो मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था बनाते हुए फर्स्ट पेमेंट लेने में, अब मेरी सेकंड पेमेंट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में आ गई है। और कितनी है वो आपको उत्सुकता होगी, तो वो इतनी है कि जो DJI की नई गिम्बल आई है DJI Osmo 3, वो मैं उस यूट्यूब मनी से ले सकता हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मुझे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हैं बनाने हैं, क्रिएटिव शॉट्स बनाने हैं इन कनेक्शन विद ड्रोन शॉट्स। तो शॉर्ट मूवीज़ बनाना चाहता हूँ और अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत है गिम्बल की। तो गिम्बल लेना चाहता हूँ, तो आपसे एक सजेस्ट भी कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन ले रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि दो मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। तो एक तो खाली आ रही है DJI की गिम्बल, जो वो मेरे फ़ोन को हेल्प करेगी, तो उसमें सिर्फ फ़ोन के ही वीडियोस बन पाएंगे। अब फ़ोन मेरे पास iPhone का है बट उसमें वो 4K तक कैपेबिलिटी है, बट वो जो बोके इफेक्ट्स है जो सिनेमैटिक एक्चुअल में शॉट्स बनाते हैं वो उसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद जो नया आता है वो काफ़ी महंगी है, वो है DJI Ronin SC। वो लेना चाहता था पर उसके लिए मेरे पास कैमरा अभी सिर्फ आई हैव ओनली कैनन G7X Mark II पॉइंट एंड शूट कैमरा, जिस पे मैं सारे वीडियो बनाता हूँ। तो उसके हिसाब से वो कैमरे पे काफ़ी छोटा है और उसके लिए थोड़ा सा मिररलेस कैमरा यानी Sony A6400 जैसा होना चाहिए। तो वो अभी आगे फ्यूचर में देखेंगे, जब आपकी कृपा होगी, अच्छे इनकम आएगी, तो आई विल शिफ्ट टू, मेरा वो ड्रीम है, ड्रीम कैमरा यू कैन से Sony A6400, क्योंकि वहाँ का उसका फोकस जो है सोनी के कैमरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड आई वॉन्ट टू हैव दैट कैमराज। तो होगा तो वो Ronin SC वाला तो फंडा उसके साथ गया, तो वो Ronin SC से तब लूँगा जब मेरे पास सोनी का मिररलेस कैमरा होगा अच्छा वाला। तो फिलहाल मेरे पास पॉइंट एंड शूट कैमरा है Canon G7X Mark II, ये भी अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब एज़ कम्पेयर टू सोनी तो फोकस इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल काम अच्छा चलता है। और इसमें मुझे बोके भी मिल जाता है क्योंकि ये f 2.8 तक चला जाता है इसका अपर्चर। तो जैसे हम पास आते हैं, ये देखिए, तो बोके आपको दिख रहा है, तो इतना ही आपको कर देता है, तो उससे मैं काम चला लूँगा। तो अब मुझे एक ऐसी गिम्बल मिली जो कि मेरे पास GoPro भी है, GoPro को भी कर सकती है बैलेंस, मेरे फ़ोन को भी बैलेंस कर सकती है, और साथ में जो जिस पे आप मुझे देख रहे हैं G7X Mark II को भी कर सकती है बैलेंस। और बजट में भी है मेरे काफ़ी, क्योंकि Ronin SC काफ़ी महंगी है, ये मिडल में आके चलती है, पहुँचती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे बताइए कि क्या मैं मोबाइल गिम्बल पे ही रहूं या थोड़े और पैसे डालकर
अपने यूट्यूब मनी में क्रेन एम टू ले लूँ। क्रेन एम टू इज़ द गिम्बल जो मैं बता रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सल गिम्बल है और पहली गिम्बल है जो काफ़ी सिर्फ आधा किलो उसका वेट है, 500 ग्राम्स की है और स्पेशली बनाई गई है पॉइंट एंड शूट कैमरा इसके लिए और गोप्रोज के लिए, और इवन मिररलेस कैमरा को भी एडजस्ट कर लेती है जैसे सोनी 6400, बट उस पर ज़्यादा हैवी लेंस आप नहीं लगा पाएंगे, मतलब किट लेंस वगैरह चल जाएगा। तो इतनी उसमें यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल है फॉर डिफरेंट, तो वो मुझे बहुत पसंद आ रही है, वो मैं लेना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि शुड आई बाय दैट क्रेन एम टू और शुड आई बाय DJI का जो लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है, उसमें सिर्फ फिर मेरे मोबाइल के वीडियोज़ बनेंगे। और आप बताइए आप किसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहेंगे और किसकी क्रिएटिवनेस। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं क्रेन एम टू लूँ, तो प्लीज़ आप लिखिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा मेरी सेकेंड इनकम का, और इससे आपको सीख यही मिलती है कि आपको कंटेंट बनाते रहना है। कंटेंट बनाते रहेंगे तो आपका जो खाता है, अब जैसे मेरे अराउंड 600-700 वीडियोज़ हो चुके हैं, तो उन 600-700 वीडियोज़ में से तकरीबन 100 वीडियो ऐसे हैं जो लगातार एवरग्रीन हैं, जो चलते रहते हैं मेरे, जिनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक मेरा वीडियो है अराउंड 70,000 व्यूज़ तक पहुंच गया है। कुछ ड्रोन्स के वीडियोज़ हैं, कुछ रेगुलेशंस के वीडियोज़ हैं, कुछ मेरे हेल्थ के वीडियो इस पर मैंने डालता था पहले रैंडम, वो भी चल रहे हैं, और गैजेट्स, मतलब ऑन एंड ऑल जो एवरग्रीन वीडियो हैं तो वो चलते रहते हैं, वो आपकी इनकम थोड़ी थोड़ी बनती रहती है। बाकी अगर आपको श्रोता ज़्यादा प्यार दें, आपका कंटेंट बहुत अच्छा चले जो अब मैं आगे फ्यूचर में करना चाहता हूँ, तो और आपके सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, तो जितने व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो उतनी जल्दी आपकी इनकम आती है। तो अभी जिस रफ्तार से मेरा चैनल चल रहा है, तो 6 महीने में मेरी सेकंड पेमेंट आई है और वो करीबन उतनी है कि मैं एक गिम्बल ले सकता हूँ, मोबाइल गिम्बल जो कि लेटेस्ट अभी रिलीज़ हुई है। तो एग्जैक्टली इसमें नहीं बता सकते तो इसलिए आपको मैंने अंदाज़ा लगा दिया। तो पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है, 21 को रिलीज़ होती है एंड एक दो दिन में आ जाएगी। तो ये एक आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था और आपसे एक सजेशन लेना चाहता था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सी गिम्बल मैं लूँ, ज़रूर बताइएगा। और अपने होस्ट दोस्त पे हमेशा सपोर्ट करते रहे और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, और कोशिश मेरी रहेगी ड्रोन शॉट्स लाऊँ चैनल पे, बाहर जाके और बढ़िया सिनेमेटिक शॉर्ट मूवीज़ बनाऊँ। मेरा शौक है, मेरा पैशन है और पर्सनली मेरी इच्छा है कि मेरा चैनल और ग्रो हो, हाई लेवल पे ग्रो हो, जिस लेवल पे चल रहा है उसको कहीं आगे जा काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ साथ दीजिए और जुड़ते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स सजेशन जरूर बताइए गिम्बल के बारे में। तो सभी न्यू यूट्यूबर्स कंटेंट बनाते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो यही मेरा मैसेज है इस वीडियो से कि कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर या आपके ऑडियंस के ऊपर किस तरह का कंटेंट है। इट्स ऑल लक भी मैं कहूँगा इसमें चलती है, क्योंकि कईयों का ऐसे ही कंटेंट्स भी काफ़ी व्यूज़ ले आता है और कई काफ़ी मेहनत करते रहते हैं फिर भी नहीं आता। सो इट ऑल लक पे भी डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, एक मेरा ये पॉइंट भी है। बाकी आप मेहनत ज़रूर करें, बाकी गॉड आपको चैनल पर चढ़ाना होगा तो 2 महीने में चैनल चढ़ जाता है। तो यही था आज, कुछ पर्सनल बातें आपसे कर रहा था। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, और ऐसे प्यार देते रहें और चैनल को ग्रो करवाएं। और 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे सिल्वर बटन जब मिलेगा तो डेफिनेटली एक ड्रोन मैं ज़रूर गिव अवे करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच।